So the fifth question is, define profession. Explain at least five essential features of profession. So features means विशेषताएं. So profession is that economic activity which requires special skill or knowledge to be applied by an individual in his work. So the person engaged in his profession is called professional, like a chartered accountant is engaged in accounting and auditing profession. So now features of profession. So specialized knowledge pertaining to particular field. So it is an organized body of specialized knowledge. Now second is practical training. A professional has to undergo certain training to acquire specific knowledge and skill. Third one is restricted entry. Every profession has restricted entry by passing pre-subscribed examination and obtaining degree or diploma. मतलब इसमें प्रोफेशनल में आने के लिए आपको ऐसा नहीं कि बायपास कर सको आप किसी एग्ज़ाम को या कोई डिग्री को, आपको इसको अटेंड करना ही पड़ेगा अगर आपको प्रोफेशनल फील्ड में आना है. फोर्थ वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन, मीन्स एवरी प्रोफेशन हैज़ प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड इट्स मेंबरशिप इज कंपल्सरी. सच एसोसिएशन रेगुलेट्स द एंटिटी एंट्री इन द प्रोफेशन, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, फॉर्मुलेट्स एंड इन्फोर्सेस द कोड ऑफ. इसका मतलब क्या हुआ, अगर जैसे आप चार्टर्ड अकाउंट के फील्ड में आना चाहते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो केवल एक एसोसिएशन रेगुलेट करते हैं चार्टर्ड अकाउंट के इंडिया को, उसी के बाद आप प्रोफेशनल एसोसिएशन में आ सकते हैं. नाउ फिफ्थ वन इज डोमिनेंस ऑफ सर्विस मोटिव. सो द डोमिनेंस ऑफ सर्विस मोटिव इज फाउंड इन एवरी प्रोफेशन. इन अदर वर्ड्स, प्रेफरेंस इज गिवन टू सर्विस रेदर देन टू सेल्फ गेन. फाइनेंशियल गेन इज सेकेंडरी एंड डेडिकेटेड सर्विस फॉर क्लाइंट इज प्राइमरी. सिक्स्थ वन इज कोड ऑफ कंडक्ट. प्रोफेशनल्स आर रेगुलेटेड एंड फाउंड बाय फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट प्री सब्सक्राइब देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन.